अब खबरें विस्तार से। कदमा में बालू ढुलाई का काम करने वाले मजदूरों ने जब मजदूरी बढ़ाने की मांग की तो ठेकेदार द्वारा मारपीट की गई। बाद में मजदूर कदमा थाना पहुंचे। रामजन्मनगर गांधी बस्ती के रहने वाले लोग बालू गिट्टी ढुलाई का काम करते हैं। पिछले दिनों मजदूरों ने 50 रुपए मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग करते हुए स्ट्राइक किया था। मंगलवार की सुबह जब वे काम पर गए तो कथित तौर पर ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की। सभी मजदूर कदमा थाना पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। ये लोग स्ट्राइक किया हुआ था, वो मजदूरी जो बालू ट्रक में काम करते हैं 407 में, इसलिए ये लोग स्ट्राइक रेट कम था बोल के ये लोग 50 रुपए बढ़ाने के लिए मांग किया हुआ था। तो उसका आधार एक दिन गाड़ी बंद था और आज जब सुबह वहाँ स्टॉक का वहाँ गया था तो वो लोग तीन आदमी पकड़ा हुआ था और एक आदमी पूरा मार रहा और उन लोग मार रहा उपेंद्र सिंह और हम लोग को मारा तो हम लोग को 150 रुपया दे रहा था, हम लोग को बोला 50 रुपया बढ़ा दीजिए तो नहीं बढ़ाया, उसी के लिए वो मारपीट किया। बस्ती राम जन्मनगर का मजदूर वर्ग के लोग हैं और वो मजदूरी करने के लिए कदमा के ये ठेकेदार हैं जिनके यहाँ गिट्टी और बालू की सप्लाई होती है और वो मजदूर वर्ग के लोग जो है हमारे पार्टी के लोग भी हैं, गांधी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, अपने बाल बच्चों के लिए रोजी रोजगार करके कमाते हैं, दिन भर कमाते हैं, ट्रक में मजदूरी करते हैं, बालू गिट्टी ढोते और उठाते हैं। ऐसे हालत में मजदूर को लगा कि हमारा जो मेहनताना है या श्रम का जो पैसा है और कुछ मिलना अधिक चाहिए था, कम पैसा मिलने के कारण वो अपनी बात को अपने ठेकेदार से रखा कि भाई हमारा पैसा कुछ बढ़ाया जाए और उसी को लेकर के कल दिनांक 27 तारीख को ही इस बारे में वो लोग एक स्ट्राइक भी कर दिए मजदूर वर्ग के लोग पैसा बढ़ाने को लेकर के। इतने में उग्र होकर के जो ठेकेदार लोग हैं, जो सप्लायर हैं, जिनकी नाम इसमें FIR में सम्मिलित है और उनका नाम FIR में आ रहा है, वो लोग मिलकर के ये लोग काम करने नहीं गए तो वो लोग मिलकर के इनके साथ मारपीट किए। DIG प्रभात कुमार ने मंगलवार को सभी पुलिस अधिकारियों थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर रामनवमी व अन्य त्योहारों के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की। DIG प्रभात कुमार ने मंगलवार को SSP CTSP समेत सभी आला पुलिस अधिकारियों, सभी DSP और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। रामनवमी समेत अन्य त्योहारों के मद्देनजर उन्होंने शांति व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बहाल रखने की तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। जिसमें सभी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी और इंस्पेक्टर्स ऑफिसर इंचार्ज जो टाउन के हैं उन लोगों को मैंने बुलाया है। सीनियर SP साहब के साथ इन जनरल सरहुल, रामनवमी, ये सभी कुछ आने वाला है। एक जनरल प्रिपरेशन और जो पुलिस मुख्यालय और सरकार के स्तर से जो हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सभी चीजों को सभी लोगों को एक बार ब्रीफ करने के लिए और ओवरऑल एक तैयारी का जायजा लेने के लिए ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। आज के बाद सभी लोग फुल फ्लेजेड पर्व त्यौहार के मोड में आ जाएंगे और ड्यूटीज भी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों में कोई स्पेसिफिक इश्यूज होगा तो उसको। मीडिया कप क्रिकेट का खिताब टीम ब्लैक ने जीत लिया है। फाइनल मैच में टीम ग्रीन को 8 विकेट से हराकर टीम ब्लैक ने खिताब जीता। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित मीडिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में टीम ब्लैक ने टीम ग्रीन को 8 विकेट से हराकर विनर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। टीम ब्लैक के कप्तान कौशल सिंह को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। पूरी प्रतियोगिता में उसने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी नाम हम लोग दिए हैं प्रीमियर प्रेस लीग। ये 3 दिन का इवेंट था, ये बहुत ही अच्छा तरीके से खेला। टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट किए थे। आज फाइनल मैच ब्लैक एंड ग्रीन का हुआ था, ब्लैक टीम ने विनर हुए हैं, जीत गई है फाइनल और रनर्स अप रहा ग्रीन टीम। सबका धन्यवाद। और हाँ, ये इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए मैं खास कर टाटा स्टील को धन्यवाद देना चाहूँगा। हसन इमाम जो चिकू के नाम से सब जाने जाते पॉपुलर हैं, उनका बधाई देना चाहूँगा क्योंकि वो 3 दिन से लगातार
हमारे जो जो जरूरत थी थी उनका देख रखाव किया है और इस इवेंट को सक्सेस करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरी ओर मीडिया एकादश और पुलिस एकादश के बीच भी मैत्री मैच का आयोजन किया गया। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। पुरस्कार वितरण समारोह के बाद पत्रकारों और पुलिस जवानों ने मिलकर खूब नृत्य किया और जमकर मस्ती की। जम्बू अखाड़ा इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती मना रही है। अखाड़ा के संचालक बंटी सिंह ने बताया कि 29 मार्च से 7 अप्रैल तक भालूबासा स्थित मंदिर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। जमशेदपुर वासियों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्र साथ ही साथ नवरात्र रामनवमी सरहुल की भी जमशेदपुर वासियों को शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री बजरंग विजय मंदिर जम्बू अखाड़ा रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास एवं राममय वातावरण में मनाएगी। विशेषकर इस वर्ष हम लोग स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहे हैं और विगत 50 वर्षों से समस्त जमशेदपुर वासियों के सहयोग से इस आयोजन को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाने के लिए हम लोग उनका आभार प्रकट करते हैं। आगामी 29 मार्च 2017 से लेकर हमारे मंदिर प्रांगण में 7 अप्रैल तक विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।